नमस्कार। सो आप आज मैं खड़ा हूँ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एक्चुअली अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स। और शायद यहाँ पर आके जब बहुत करीबी आप एक अस्पताल के कॉलेज के अंदर घुसते हो तो आपको नाम का मतलब पता चलता है। तो इस नाम में अमेरिकन इंटरनेशनल इसलिए है क्योंकि दिस एंटायर कॉलेज और हॉस्पिटल इज़ फाउंडेड बाय अमेरिकन डॉक्टर, इंडियन अमेरिकन डॉक्टर हु बिलोंग्स टू उदयपुर, डॉक्टर कीर्ति जैन। और यही वजह है कि नाम में अमेरिकन भी है, इंटरनेशनल भी है। और अपने नाम के अनुरूप ये कैंसर के लिए तो स्पेशली शायद पूरे उदयपुर और आसपास के 50 किलोमीटर रेडियस का एकमात्र और बेस्ट हॉस्पिटल है। तो जैसे हमने बात की थी कि गीतांजलि इज़ वेरी गुड इन जनरल, और गीतांजलि का मुकाबला तो हम है ही नहीं, और शायद अमेरिकन वाले भी खुद कहते हैं कि जहाँ तक एक ओवरऑल साइज़ की बात है गीतांजलि हमसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन अगर कैंसर की बात है तो फिर हम स्पेशलिस्ट हैं। तो कैंसर मरीजों के लिए अगर आप दिल्ली से कंपेयर करें तो दिल्ली में जैसे रोहिणी में एक राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है ना, जो कि कैंसर के लिए फेमस हो गया, और देन वी हैव मैक्स फोल्टियस एंड एवरीथिंग। तो कैंसर के लिए सुपर स्पेशलिस्ट है। मेरे लेफ्ट में एक्चुअली कैंसर बिल्डिंग ही है जो कि अलग से प्रॉपर बिल्डिंग है, और मेरे राइट में अगर आप देखते हैं तो वो पूरा जो है वो पूरा मेडिकल कॉलेज है, और उसके पीछे अस्पताल भी है, और बिल्कुल पीछे देखते हैं उस तरफ तो ये हॉस्टल्स हैं। तो हर लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार कॉलेज है, बहुत शानदार हॉस्पिटल है। लोकेशन की बात करूं तो ये भी शहर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है, मतलब मेन जो सिटी का आखिरी मॉल कह लीजिए, आखिरी बड़ी दुकान कह लीजिए, उससे 3 किलोमीटर बाहर। देखिए तो उदयपुर में गीतांजलि और अमेरिकन को हम प्रैक्टिकली शहर के अंदर मान सकते हैं। बाकी दोनों कॉलेज जो दोनों पैसिफिक कैंपस हो गए और अनंता हो गया, वो मैंने सुना है कि बाहर है। मैं तीनों में जाऊंगा और फिर आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। बट गीतांजलि तो एज वेल एज अमेरिकन, ये बोथ कैन से कि ये पार्ट ऑफ उदयपुर हैं। कहने को चित्तौड़गढ़ रोड पे पड़ता है, लेकिन मैंने वही कहा ना कि उदयपुर स्टेशन से भी ये 8 किलोमीटर दूर था या 10 होगा, और स्टेशन तो आप समझ सकते हैं कि शहर का मिड होता है, और बिल्कुल जो बड़ी दुकानें थी उससे बस 1-1.5 किलोमीटर बाहर ही आया हूँ मैं। तो बिल्कुल गीतांजलि में अगर 12 एम्बुलेंस खड़ी थी तो यहाँ पर 5 एम्बुलेंस खड़ी है, पूरी भरा पड़ा है। ओपीडी में वहाँ अगर 200 लोग बैठे थे तो यहाँ भी 100 लोग बैठे हुए हैं, तो बराबर का टक्कर है। और जो बिल्कुल इस एरिया के आसपास के लोग होंगे उनके लिए तो फिर यही शानदार हॉस्पिटल हो गया। अंदर ओपीडी में पूरी भीड़ थी, और जैसे मैंने कहा कैंसर तो इनका सुपर स्पेशलिटी है, तो सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि गीतांजलि और अमेरिकन दोनों का जो मेन फोकस है ना वो अस्पताल चलाना है। मेडिकल कॉलेज बाद में आया, अस्पताल पहले था, ये बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि हम MGM जयपुर के बारे में कहते हैं, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों मेडिकल कॉलेज भी उसी तर्ज पर हैं कि अस्पताल पहले है, कॉलेज बाद में है। सिर्फ कॉलेज चलाने का अस्पताल नहीं खोला गया है NMC रूल को फॉलो करने के लिए, बल्कि अस्पताल अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ अस्पताल है। तो ये खासियत है इस इंस्टीट्यूट की। अब सारी बातें अच्छी हो गई, मैं आपको एक वो बात बताना चाहता हूँ जो भाई जिसके लिए मैं फेमस हूँ या मैं मशहूर हूँ। देखिए राजस्थान में कुल 9 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 3 जयपुर में हो गए, NIMS, MGM, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, और JNU, फिर एक गंगानगर में SS तांतिया हो गया, उदयपुर में 5 है, टोटल कितने हो गए 9। 9 में से 7 कॉलेज ना अपनी यूनिवर्सिटी है। देखिए ये टेक्निकली डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब इन सब में राजस्थान का रिजर्वेशन है, हम जानते हैं कि राजस्थान एक क्लोज स्टेट है, लेकिन 9 में से 7 कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी डिग्री, अपने पेपर लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने पेपर लेते हैं। अमेरिकन और अनंता ये दोनों हैं जो RUHS के अंडर आते हैं। तो देखने वाले को लगता है कि बहुत अच्छी बात है, आपको वही डिग्री मिलेगी जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे को मिलती है, राइट। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट समझिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये फीडबैक मिली है मुझे कुछ मेरे उस क्लाइंट से जिनके बच्चे इन्हीं कॉलेजों में पढ़ते हैं। देखिए अब होता क्या है, राजस्थान एक क्लोज स्टेट है हम जानते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ, खुल के कहता हूँ कि नीट क्वालिफाई का रूल एक पर्पज से लाया गया था ना, ताकि जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए मेहनती कम है, तभी तो 50-60-70 नंबर नीट में आते हैं, तो वो मेडिकल एजुकेशन में ना जाए। लेकिन नीट क्वालिफाई का भी रूल कुछ ऐसा है कि आज भी नॉन जनरल में तो 96 नंबर पे, जनरल में 136 नंबर पे एडमिशन मिल जाता है। अब 140 नंबर भी आउट ऑफ 720 आर नॉट वेरी ग्रेट, राइट। राजस्थान में क्या होता है, और शायद सिर्फ राजस्थान में ऐसा होता है, पूरी इंडिया में मार्केबल, पंजाब भी क्लोज स्टेट है, बट चूंकि पंजाब में फीस कम है ना, तो फिर भी 450 नंबर वाले बच्चे ही मेडिकल एजुकेशन में जाते हैं। राजस्थान में क्या है
चूंकि क्लोज स्टेट है पर फीसें ज्यादा हैं, 20 लाख रुपए साल की फीस है, तो राजस्थान डोमिसाइल में 180 नंबर पे भी, 200 नंबर पे भी, 160 नंबर पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। मैं बात करूं अमेरिकन और अनंता की, जो कि दोनों बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हैं, लेकिन अगर वो बच्चा जरा सा भी मेहनत कम करेगा, क्योंकि इसका जो कॉलेज का सिस्टम है वो RUHS के अंडर है, पेपर RUHS लेती है, चेक RUHS करती है, तो इन दोनों कॉलेज में बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं जो कम मेहनत करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस कॉलेज में आप आ रहे हो गवर्नमेंट डिग्री के लिए आ रहे हो, तो भाई मेहनत भी वैसे करनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पैसिफिक में हो, आप SS तांतिया में हो, आपने मेहनत करी लेकिन एग्ज़ाम में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो कॉलेज से बात करके आप पास हो सकते हो, थोड़ा बहुत ले दे के। मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ। ऐसा ही सुविधा हिंदुस्तान के और कई मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल है, खासकर जो अपनी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, लेकिन जहाँ पर सेंट्रल किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है सेटिंग की, और कभी कभार ये सुविधा ज़रूरी है। तो एक और फैक्टर नोट कर सकते हैं, 2023 बैच वाले बच्चे को देखिए, कभी कभार होता है कि वी नीड टू हैव अ बैकअप। जैसे हम कहते थे कि फिलीपींस में ये बिफोर जो नया रूल आ गया MBBS अब्रॉड का, फिलीपींस वॉज ऑलवेज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर MBBS अब्रॉड, लेकिन बच्चे डरते थे, पेरेंट्स डरते थे उस NMAT से कि सर NMAT में अगर कहीं हम रह गए तो हमारे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए अब हरियाणा में जो SGT कॉलेज है, इट इज़ अंडर ओन SGT यूनिवर्सिटी, अल्फला इज ओन अंडर अल्फला यूनिवर्सिटी, पर जो बाकी तीनों हैं आदेश और इसराना वाला और झज्जर वाला, वो तीनों किसके अंडर आते हैं, पंडित भगवल दयाल शर्मा BD शर्मा के अंदर, जिसके अंडर PGMS रोहतक भी आता है। तो आप बच्चों को वही पेपर मिलता है और वही चेकिंग होती है जो PGMS रोहतक के बच्चों की होती है। तो जो बच्चा मेहनती है उसके लिए तो सब बहुत अच्छी बात है, जो हार्डवर्क कर रहा है, लेकिन जिसका हार्डवर्क में थोड़ा हार्ट टाइट हो गया, कमज़ोर हो गया, वो फेल हो जाते हैं, और 20 लाख रुपए साल की फ़ीस देकर फेल होना बहुत चुभता है। तो यहाँ पर आके मुझे एक और चीज़ याद आई, या मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि 180 नंबर पे शायद आपको अमेरिकन मिल जाए, राजस्थान के बच्चों से मैं स्पेशली कह रहा हूँ क्योंकि आप राजस्थान डोमिसाइल के हो, लेकिन आप ये भी नोट कीजिएगा कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका पेपर है वो RUHS में होगा, पेपर आपका लोकल नहीं होगा कि जो आप आगे पीछे करके पास कर लें। ऐसी और जानकारी के लिए यू कैन कॉल अस, और इससे ज़्यादा मैं वीडियो में नहीं बोल पाऊँगा, 9643362320 पे कॉल कीजिए। हमारी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं MBBS 2023 एडमिशन सीजन के लिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।